वालेकुम एवरीवन। तो अभी हम लोग को कल जाना है नुमान के घर पे। नुमान की ईदी जाने वाली है। अब हाँ, रमजान के थोड़ा बाद क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं है, बट ठीक है। अभी मैं सब पैकेजिंग करने जा रही हूँ तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसके लिए क्या क्या गया। तो ये सब सामान पड़ा हुआ है, अभी मैं शुरू करती हूँ, आप लोगों को एक 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 चीज़ दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी मदर इन लॉ का कपड़ा दिखाती हूँ, दुपट्टा और पैंट भी दिखाने की जरूरत है क्या? एक साथ रख दो ना, क्या पूरा खोल। तो ये है मेरी सासू मॉम का कपड़ा, नायरा कट उनके ऊपर बहुत अच्छा लगता है, तो ये है उनके लिए मैंने लिया है। पीछे लटकन है, अब इस सबको फिर डालना पड़ेगा, बाद में तय करेंगे। फिर इसके साथ नीचे है प्लाजो और नेट का दुपट्टा, जो कि मैंने ऐसा स्टाइलिंग करके डाला है। ये देखो रिबन यहाँ पे लगा है, तो ये मैं नहीं खोलूँगी इसको, मैं ऐसे ही रख दूँगी यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा यूनिक में मैं उनके लिए एक ये इयररिंग्स डाली है, दिख रहा है? ये फर्स्ट इयररिंग है, ये सेकेंड झुमकी मैंने ऐसे डाली है उनके लिए। तो ये सब अभी कोई और चीज़ में जाएगी। ये हो गया उनका चूड़ी, चूड़ी का ये है उनके लिए मैंने बैंगल्स का सेट लिया था वाशी में, चॉइस सेंटर करके बहुत बड़ा इमिटेशन का शॉप है जहाँ से हम हमेशा लेते हैं, इनके डायमंड्स कभी काले नहीं पड़ते, तो ये वहाँ से उनके लिए सेट लिया था मैंने। फिर ये बनारसी दुपट्टा है उनके लिए, मुझे बहुत टाइम से देना था लेकिन मैं दे ही नहीं पाई थी उनको, तो अभी बहुत अच्छा मौका है ये दुपट्टा देने के लिए उनको, क्योंकि उनको ऐसी सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है। तो ये दुपट्टा उन्हें देना है। फिर उसके बाद आता है मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि सना, सना के कपड़े। तो यहाँ पे सब बहुत बढ़िया है, यहाँ सना के पैंट्स है और ये दुपट्टा है, प्रिंटेड है पूरा, मैंने रिबन्स बांध दिया, खोल नहीं सकती मैं, मुझे कंटाल आ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं इतना सब नहीं खोलूँगी, जो खुली चीज़ है वो तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है। ये सना का मैं कपड़ा दिखा देती हूँ, मतलब कमीज, ये सना का है, मेरे से भी पतली दुबली है वो, तो ये है और इसके स्लीव्स अंदर है और गेंदा के स्लीव्स है इसके, तो ये सना के हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था। पैंट्स और इसका दुपट्टा बहुत ब्यूटीफुल है, मेरे को तो बहुत ब्यूटीफुल लगा है। ये हो गया, अब इसके बाद आता है नुमान के कपड़े, नुमान जी के कपड़े, दामाद जी के कपड़े। तो ये नुमान का कुर्ता है और ये पैंट है, कुर्ता खुल गया नहीं ना, ऐसे दिखा सामने से, दिखा दो सामने से, दिखा सामने से। ये देखो इस पे ऐसा डिजाइन है पूरा, बहुत ब्यूटीफुल है, जब नुमान पहनेंगे तो बहुत प्यारा लगेगा। एंड इसके साथ वाइट पैंट है, एंड ये मटेरियल है नुमान के कुर्ते पजामे का। ये देखो मैंने इसके साथ बेज रुमाल डाला है ऐसा रिबन लगा के, तो ये नुमान का है मटेरियल। एक ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ एज अ ईद गिफ्ट दिया है मैंने, तो टोटल नुमान के तीन जोड़े कपड़े थे। फिर आता है ये दो कपड़े, ये नुमान के डैडी का है ऐसा, बाद में लगे दिखाए, ये नुमान के डैडी का है एंड ये नुमान के दादा का है ऐसा। तो ये सारे मटेरियल है तो मैं दिखा नहीं रही हूँ आपको, ऊपर से कुर्ता पजामा और रुमाल दिख रहा है। ये इतना हो गया, अब क्या बचा है? अब नुमान के शूज़ है, एक तो मैं दे चुकी थी, दूसरा ये है, एक आप लोग ने देखी होगी अगर हमारी ब्लॉग देखा होगा तो, एक दे चुकी है। और ये टैन वाला भी सब नुमान के पसंद से ही लिया मैंने, ये भी नुमान को पसंद था, तो ये एक शूज़ है उसके लिए, एक ईद के साथ मैं दे चुकी हूँ कि वो ईद पे पहने मेरे पसंद का, तो मैं दे चुकी हूँ एक। ये हो गया, अभी नुमान की मम्मी का सैंडल है, चुके है ये हील्स है, मेरे को बहुत 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 प्रिटी लगी थी, इसका बहुत बहुत प्रिटी है, ऐसी है पहनने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो ये उनका है, तो ये तो हो गया है और कुछ नहीं है ना। हाँ, अभी खाने पीने का सामान और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो मैं पैकिंग करते हुए दिखाऊंगी, लेकिन उसके अलावा और क्या है। हाँ, अभी रैयान सत्तू का बाकी वो मैं दिखाती हूँ, पहले ये पैक कर लूँ फिर दिखाऊँ। सो अभी मैंने ये सब पोटली बैग्स लाई थी ड्राई फ्रूट्स डालने के लिए, तो मैं ड्राई फ्रूट्स दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे है काजू, यहाँ पे बादाम, पे
करके मिक्स ड्राई फ्रूट्स है यहाँ पे मखाना है साइलेंट पे गोल्ड मिक्स ड्राई फ्रूट्स ये मखाने हैं उसके बाद फिर ये किशमिश है एंड फिर ये है नुमान को अखरोट बहुत पसंद है अखरोट है एंड ये गरी बोलते हैं ना गरी है खोपरा एंड शुगर आने चाहिए क्योंकि मुझे मैंने पोटली बैग गलती से छोटे ले लिए सामान सब ज़्यादा है माशाल्लाह इसलिए तो ऐसे आप लोग बताना ज़रूर एंड में कि मेरे पैकेजिंग के टेक्निक्स वगैरह आप लोगों को कैसी लगती है क्योंकि मुझे खुशी होती है सुनने पर तो अभी किशमिश भी डाल देती हूँ ऐसी थोड़ी चीज़ें जाती है ना तो अच्छा लगता है मतलब सजाने में लेने में वेने में सब ठीक है लेकिन जब तक सजाऊँ नहीं उसको तो मज़ा नहीं आती है मेरा मैं ये सब कांड करने में बहुत आगे रहती हूँ डेकोरेशन स्कूल के टाइम से सब हाँ स्कूल के टाइम से ही मेरा ऐसा था जैसा आपने देखा होगा इमान को भी मैंने मेरे भतीजे को सजा के दिया था ये इसमें सब डाल लेते फिर थोड़े टाइम बाद जी अलहमदिल्ला मैंने शुगर भी ऐड कर दिया क्या पता तुम्हें वो ना पोटली बैग बहुत अच्छी लगती है मैं स्पेशली वाशी जाके ये पोटली बैग लेने गई थी लेके मस्त लग रहा है ना आप लोग जरूर बताना कितने क्यूट लग रहे हैं अब सिमा ही तो नहीं आई आ जाए नहीं आई देखो डाल के देखो तो अब मेरे पास है बेस्ट तीन चीज़ें जो कि है तस्बीह रैयान और सबू के लिए क्योंकि ईद पे हम लोग ईदी दे चुके थे मतलब ईद पे तो पैसे ही दिए जाते हैं ईदी दिया था हमने तो मैंने ये तस्बीह उन लोग के लिए बचा रखी थी मैंने ईद पे नहीं दी उन लोग के लिए तो माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी भीड़ है ये देखो इस पर ये सद्दू का है जो मेरे दो देवर हैं उनके नाम की दो तस्बीह मंगाई है मैंने थोड़ा पास मतलब ये देखो ये यहाँ पे उसका नाम लिखा हुआ है सद्दू एंड एक रैयान का है तो और एक नौमान का है तो मैं नौमान वाला भी दिखा दूँ आप लोग को नौमान और मेरे वाले पे क्या लिखा है मैंने और ये नौमान का है इस पर हमारी इंगेजमेंट की डेट और हम दोनों का नाम लिखवाया है मैंने भी अब तक देखा नहीं है एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स नौमान एंड अंसारा 22/6/2022 जब हमारी इंगेजमेंट हुई थी तो देखो ये दिखाओ एक्सपेक्ट सो ये है मेरी और नौमान की इंगेजमेंट की डेट तो ये तो मैं फाइनल टच में लिखाऊंगी प्रिपरेशन का होगा अब तक अभी इयररिंग्स का है प्लास्टिक बैग में अच्छे नहीं लग रहे तो मैंने ये पेपर बैग्स के बैग्स लाई थी इन लोग के लिए ही लाई थी कि चीज़ें डाल के देने एक्चुअली मेरे से क्या गड़बड़ हुई कि मैंने पोटली बैग भी ड्राई फ्रूट्स के ले लिया और ये भी ड्राई फ्रूट्स के ले लिया बाद में आ गया मैंने तो पोटली बैग भी लिया तो फिर आपको सोचा कि इसमें ये डाल के दे दी मेरे को माशाल्लाह कितना प्यारा बैग है दिखाओ टोकरी
और ये दूसरा रेडी कर रही हूँ, तो देख लो ये मैंने छोटे छोटे ऐसे अम्ब्रेला मंगाए थे इन लोग के चीज़ों पे लगाने, तो वही मैं खोल रही हूँ और दो अम्ब्रेला लगा दूँगी। एक पूरा खोल जाइए। तो ये दो अम्ब्रेला है, अब फटाफट इसे सेलो टेप मार के चिपका। यहाँ मैं छतरी लगा रही हूँ। बारिश होगी तो सब ले। लाओ भी इधर घूम करके दिखा। सो ये मेरी दूसरी टोकरी भी रेडी है ड्राई फ्रूट्स की, ऐसे 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 ऐसे। तो ये यहाँ दोनों टोकरियाँ हो चुकी है, हाय थक गई। टोकरी मैंने लाई थी उसमें खाने पीने का सब सामान डालने, तो अब मैं खाने पीने का सब दिखाती हूँ क्या 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 है। देते जाओ देते जाओ हो। तो इसमें नोमन की फेवरेट ये चॉकलेट वेफर रोल्स है। नोमन को चोकोपाई भी पसंद है, पेप्सी भी पसंद है, एंड आलू भुजिया भी नोमन का फेवरेट है वो है। क्रॉइसेंट भी नोमन को पसंद है, मैगी भी नोमन को पसंद है, हाइड एंड सीक पता नहीं। और ये कॉफ़ी जॉय करके बिस्किट मुझे फर्स्ट टाइम दिखा था, मैंने ले लिया। हाइड एंड सीक है, क्रॉइसेंट है, यहाँ दो केक्स के पैकेट है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम मंगाया तो देखते कैसा रहेगा पता नहीं। यहाँ कस्टर्ड पाउडर है वनीला फ्लेवर का, यहाँ दो पैकेट नोमन के लिए टैंग है, एंड ये बॉर्नविटा बिस्किट्स है। सो इतना अब मैं इसमें ट्रांसफ़र करती हूँ। सो ये इतनी बड़ी टोकरी है माशाल्लाह, कम नहीं पड़े बस। बिस्किट साइड में खड़ा कर, छोटी चीज़ें बाद में रखो, पहले ये चोको पाई रखो। लॉटी चोको पाई मन का फेवरेट। ये तो मेरे को भी बहुत पसंद है, ये मैं नोमन को देके वापस ले लूंगी। आलू भुजिया नीचे रखो, उसके ऊपर ये बिस्किट रखो। हाँ इसे रखो, बंद होगा ये, होएगा ना, इसमें और आ जाएगा। बिस्किट ऊपर कर, ये सब डालेंगे ये ऊपर से। तो 3, 4, 5 आलू पेप्सी की बोतल बस हो गया ना। अब लगा देंगे इसको ताला, ताला अरे बंद हो साला। ये उठा के देखो, ये माँ का सब क्यों है, फोटो लेना ज़्यादा वजन नहीं है ना। नहीं सही है, गार्ड बंद है क्या? तो अभी मैं कट करने जा रही हूँ ये कार्ड, तीनों बिग ब्रदर स्मॉल ब्रदर और नोमान और मेरा कार्ड। तो देखो अभी खड़े में ही तो नहीं आता, तो कट जाएगा। मजाक करने का केस में 1 रुपए डाल के बाकी का पैसा बाद में देने का। मुंह दिखाओ, हमेशा मेरे हाथ में छुरी चाकू कट रहा था ना, तब भी आप कटवाने वाले सुना। तो ये यहाँ पे मैंने कट कर दिया, इसमें डालेंगे मनी मनी मनी। बस हो गया,
बस हो गया, आराम से आराम से आराम से हो गया। दिखाओ। अरे क्या हुआ? हम लोग का नाम चुप रहे। चुप रहे, चलो थोड़ा सा ऊपर कर देना ना, वैसे भी इसको। सो मैंने यहाँ पे कुछ तो किया, मैंने नौरा काट के इधर लगा दिया, पैसे इधर डाल दिया। मैं सोच रही हूँ कैसे बीच में छतरी लग रही, कैसे लग रही? अच्छी लग रही थी। अच्छी लग रही थी साइड, दोनों दोनों के बीच में है ना, तो बीच में छतरी लगा देते। ये छतरी मैंने इसलिए लगाई है ताकि हम लोगों की नज़रों से बचे रहे, पूरी नज़र लगाने वाले जो देख देख के हाय बाबा करते रहते हैं हम लोग को। वाह, कितना मस्त लग रहा है, कपड़े के ऊपर लग रहा है, कपड़े के ऊपर है ना, रख दो ठीक है बस। तो ये हो गया, नहीं अभी इन दोनों का चॉकलेट, तो अभी नीचे देखो। तो ये बिग ब्रो और स्मॉल ब्रो का कटिंग यहाँ पे कर देती हूँ। चलो ठीक, तो ये बिग ब्रो स्मॉल ब्रो, बिग ब्रो स्मॉल ब्रो की तस्वीर है जैसे आपने देखा है, एंड ये दोनों चॉकलेट्स दोनों के लिए मेरे तरफ से, ऐसे मीठा खाने के लिए। ये नौमान की और मेरी छतरी। हमारी ईदी रेडी हो चुकी है, अब मैं सब दिखाती हूँ। तो ये है मेरे फादर इन लॉ के लिए, टू द बेस्ट फादर इन लॉ फ्रॉम मुस्कान। ये है दादा के लिए, नौमान के दादा के लिए है। ये नौमान की एक कपड़े है, एंड ये ईदी विद अम्ब्रेला, ये भी नौमान का है, विद दिस ब्यूटिफुल तस्वीर जिस पे क्या लिखा है मैं दिखाती हूँ। इस पे लिखा है एंड वी क्रिएटेड यू इन पेयर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर इसके बाद ये सना का है, क्योंकि सना को रियो बहुत पसंद है उसकी कैट, तो कैट के साथ। और ये सना का ही पैंट और दुपट्टा है। ये सद्दू की तस्वीर एंड चॉकलेट, रियान की तस्वीर एंड चॉकलेट। ये मेरी मदर इन लॉ के लिए दुपट्टा है, ये मेरी मदर इन लॉ के लिए ईयरिंग्स, ये उनका आउटफिट है, ये आउटफिट पे का ईयरिंग्स है, पैंट है एंड दुपट्टा है, ये उनके बैंगल्स है। इसके बाद अब फूड की बारी आती है, तो ये मैंने सब आपको माशाल्लाह दिखा दिया है। ये सिवई है, एंड ये जो मैंने पैक किया है वो सब पैकेजिंग है। नौमान के शूज़ एंड मेरी मदर इन लॉ के चप्पल। अब मैं थक गई, अब फ्रूट्स भी बचे हुए हैं, लेकिन वो हम कल लेंगे, तो फिर वो कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये ईदी मेरे तरफ से जा रही है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ईदी पैक हो चुकी है, अब मैं मेरी मामी लोग को सबको वीडियो कॉल करके दिखा देती हूँ, एंड हमारी फैमिली वाले को सबको वीडियो कॉल करके दिखा देती हूँ। तो मैं ये ब्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ, इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे तो फिर वहाँ का भी बनाऊंगी। सो यस, पसंद आया वीडियो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ईदी के ब्लॉग के लिए वेट करना। सो अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट।